हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉर्जियस गर्ल माधुरी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करें स्लीटेड कुर्ती के बारे में। आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में है, इनमें है स्लीटेड कुर्ती, हर किसी के वार्डरोब में होती है। अगर आपके वार्डरोब में नहीं है तो मेक श्योर आपको एक स्लीटेड कुर्ती ज़रूर से ले लेनी चाहिए। लाइक अभी मैंने वेयर की है, वो स्लीटेड कुर्ती है, पूरी बीच में से स्लीट होती है, जिसकी मैं उस कुर्ती की बात कर रही हूँ। तो एक ऐसी कुर्ती ज़रूर से होनी चाहिए। अभी तक कुर्ती नहीं ली और अब आप लेने जा रहे हो ये वीडियो देखने के बाद, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है वो मैं आपको से बता देती हूँ। तो आपकी कुर्ती मेक श्योर इस तरीके से प्लेन होनी चाहिए, इसमें कोई प्रिंट ना हो, कोई लाइनिंग, कोई फ्लोरल प्रिंट, ये सब कुछ भी ना बना हुआ हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। वो इसलिए ताकि वो हर किसी के साथ पेयर हो सकती है, अगर वो प्लेन होगी तो। एंड दूसरी बात, आपके कलर पे ध्यान रख सकते हो। आपका जो भी कलर हो वो ब्राइट होना चाहिए, न्यूट्रल कलर होना चाहिए। आप वाइट कलर, ब्लैक कलर, कैमल कलर, बेज कलर, इस तरीके से कोई भी डार्क कलर जैसे होते हैं, जैसे मैंने अभी ये रेडिश मैरून कलर है, तो उस तरीके की आप कोई भी कुर्ती ले सकते हो। इसके साथ सारे कलर मिक्स एंड मैच हो सकते हैं और सारे कपड़े पेयर अप हो सकते हैं। तो आप इस तरीके की एक कुर्ती ज़रूर से अपने वार्डरोब में रखिए। अब इस तरीके की एक ही कुर्ती आप डिफरेंट डिफरेंट ओकेशन पे एंड डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप इसे वेयर कर सकते हो अगर तरीकों से, तो वो कैसे पॉसिबल है वो देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे और फैशन एंड फूड के वीडियोस के लिए। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मेक श्योर आप मुझे वहां पे भी जरूर से फॉलो कीजिए मेरी डेली अपडेट्स के लिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक बुक 1, मैंने कैरी किया हुआ है जैकेट, जैगिंग के साथ डिज़ाइनर जैगिंग है मेरे पास, जिसके साथ मैंने ये स्लेटेड कुर्ती को पैरअप किया है। इस लुक को आप किसी भी ओकेशन पे या फिर नॉर्मली स्कूल कॉलेज जा रहे हो तब भी कैरी कर सकते हो। जिसके साथ मैंने वेयर किए हुए हैं रेडिश मरून जैसे फ्लोरल ईयरिंग्स, जो रोज़ वाले पैटर्न आते हैं उस टाइप के ईयरिंग्स हैं। एंड मैंने एक वॉच इसके साथ पैरअप की है, डार्क रेडिश लिपस्टिक जो कुर्ती के साथ मैच हो ऐसी। एंड मैंने ब्लू कलर के फ्लोरल चप्पल्स वेयर किए हैं। लुक बुक कम्प्लीट होता है मेरा यहाँ पर। नेक्स्ट लुक बुक है हमारा, जिसे मैंने कैरी किया हुआ है ब्लैक कलर के प्लाजो के साथ। तो ब्लैक प्लाजो विद मरून कुर्ती, अमेजिंग लुक आ रहा था। इस लुक को अगर आप ज़्यादा हैवी बनाना चाहते हो, जैसे कि ज़्यादा गोल्डन ज्वेलरी वेयर करना या फिर एकदम से जो हैवी ज्वेलरी कैरी करते हैं, वैसे अगर आप ज्वेलरी कैरी करो तो वेडिंग गेस्ट लुक बन सकता है। जैसे कि मैंने गोल्डन हील एंड गोल्डन कलर की ज्वेलरी वेयर की हुई थी, तो किसी की वेडिंग में भी इस तरीके का आप लुक क्रिएट कर सकते हो इजीली। अगर इसे सिंपल रखना चाहते हो तो आप कॉलेज जा रहे हो या फिर ऑफिस जा रहे हो तो भी इस लुक को कंप्लीट कर सकते हो, वेयर कर सकते हो। बस कुछ सिंपल वॉच वेयर कर लीजिए बस। अगर चाहो तो दुपट्टा कैरी कर सकते हो, नहीं चाहो तो विदाउट दुपट्टा भी। ये लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था। किसी की बर्थडे पार्टी है, गेट टुगेदर है नॉर्मली, तब इस लुक को आप कंप्लीट कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा था। चाहे आप इसे दुपट्टे के साथ वेयर करो, ऐसे ही करो। गोल्डन कलर का नेक पीस एंड मरून ईयरिंग के साथ मैंने इस लुक को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है मेरा वैकेशन मोड वाला लुक, यानी कि मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है विद कैपरी। नॉर्मल चप्पल्स मैंने वेयर की हैं जो थोड़ी सी हील वाली होती हैं उस टाइप की, एंड कैपरी है ब्लैक कलर की। नॉर्मली इस तरीके का लुक बहुत कम देखा जाता है, बट अमेजिंग लगता है स्लीटेड कुर्ती विद कैपरी। एक बार ज़रूर से ट्राई करें अगर आप कहीं वैकेशन पर जा रहे हैं, बीच हो या फिर ऐसे ही कहीं घूमने जा रहे हैं। नॉर्मल फ्लोरल ईयरिंग्स एंड हाई बन के साथ इस लुक को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखें। नेक्स्ट है हमारा लुक बुक 4, जिसके लिए मैंने यहाँ पे वेयर किया हुआ है जीन्स। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो ब्लू जीन्स होते हैं उसके साथ ही मैंने ये एक लुक क्रिएट किया है, एंड फ्लोरल चप्पल्स पहनी है। नॉर्मल बहुत ही काफ़ी सोबर लुक है। इस लुक को आप कॉलेज में या फिर अगर आप ऑफिस जाते हो वहाँ पे, ऐसे ही शॉपिंग पे जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप इस लुक को कंप्लीट कर सकते हो। गोल्डन वॉच एंड ब्लू कलर के फ्लोरल ईयरिंग्स मैंने कैरी किए हुए हैं। काफ़ी सुंदर और बहुत ही सिंपल लुक था। इस लुक को आप कहीं भी कभी भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा लुक है लुक बुक नंबर 5, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्कर्ट लिया है। तो हमारे पास बहुत सारे लहंगा, बहुत सारे स्कर्ट्स वैसे ही पड़े रहते हैं, तो उसको कुछ इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। कुर्ती कोई और ले लीजिए एंड स्कर्ट उसके ऊपर या फिर लहंगा उसके ऊपर कोई और ले लीजिए, पैरअप कर लीजिए, काफ़ी सुंदर लगेगा। एंड देखिए इसे आप वेडिंग गेस्ट लुक में ट्राई कर सकते हो। अगर किसी की शादी में जा रहे हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी बहन है, आपकी भाई की शादी है, तो ये लुक आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। हैवी सी ज्वेलरी कैरी कीजिए इस लुक के ऊपर। अगर किसी की शादी में जा रहे हो ना, तो मेक श्योर आपको हैवी ज्वेलरी करनी है, बिकॉज आपकी जो कुर्ती है वो काफ़ी प्लेन है, तो इसके ऊपर अगर ज्वेलरी आपकी हाईलाइटेड होगी तो काफ़ी सुंदर लुक देगा ये आपको। कड़े पहने हैं, कैमल कलर का मैंने नेक पीस पहना है, एंड
जो गोल्डन ईयर रिंग्स होते हैं झुमकी वाले, वो मैंने यहाँ पे पैर अप किए हैं। नेक्स्ट लुक है जिसमें मैंने इसमें कुछ एडिशन किया है, और इसे आप टिप ऑफ द डे भी समझ सकते हो। एक टिप मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की, ये मेरी दूसरी टिप हो गई इस वीडियो के लिए। तो आपके पास लीटेड कुर्ती है, नॉर्मल है, चाहे कोई भी कुर्ती है, कोई भी कुर्ती आप ले सकते हो, उसमें ज़रूरी नहीं कि लीटेड कुर्ती ही हो। कोई भी कुर्ती उठा लीजिए, कोई भी लहंगा या फिर कोई भी स्कर्ट उठा लीजिए, दोनों को इस तरीके से पैर अप कर दीजिए। यानी कि आपकी कुर्ती को आपको टक इन कर देना है स्कर्ट के अंदर, एंड उसके ऊपर आपको वेयर करना है बेल्ट या फिर इस तरीके से स्ट्रिंग्स। बेल्ट आप नॉर्मल एक जो जीन्स पे लगाते हो वही ले सकते हो, एक कोई भी कॉमन कलर जैसे कैमल कलर हो गया या फिर ब्लैक वाइट, कोई भी नॉर्मल स्कर्ट रख दीजिए, उसके ऊपर आप इस तरीके से पैर अप कर सकते हो, बस कुर्ती को टक इन कर देना एंड हैवी सी ज्वेलरी, इसे भी आप वेडिंग गेस्ट लुक बना सकते हो। सो गाइस, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, टिल देन बाय बाय।